मनपा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है, इस बारे में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई, जिस दरमियान हर वोट की जरूरत के मद्देनजर मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मनपा चुनाव को लेकर राजनीतिक खेमों में सरगर्मी का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा मनपा के चुनाव जीतने के लिए पुरजोर परिश्रम किया जा रहा है। इन चुनाव के बीच चुनाव आयोग की ओर से किस तरह की तैयारी की गई, इसकी जानकारी शुक्रवार को आयोजित पत्रकार परिषद में चुनाव आयोग के प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर तक क्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड रहेगा, वही 5 जनवरी को अंतिम यादें डिक्लेयर की जाएंगी। वही तृतीय पंथियों के लिए भी दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही बताया कि दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा चुनाव आयोग की ओर से की गई है। काल अमरावती मध्ये होतो आणि आज नागपूर मध्ये होतो आणि जसा आता सांगितलं की ही समरी रिव्हिजन जी चालू आहे मतदार याद्यांची, तर त्या अनुषंगाने ही माझी आढावा बैठक होती इथे। तर यामध्ये 1 नोव्हेंबरला आपला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होईल। ही जी प्रारूप मतदार यादी आहे त्याचा क्वालिफाईंग जे डेट आहे ती 1/1/21 आहे। 1 जानेवारी 2021 रोजी ज्यांचा 18 पूर्ण झालेला आहे असंच लोकांचा सध्याच्या मतदार यादीमध्ये समावेश आहे। आणि ही प्रसिद्ध झाल्यानंतर म्हणजे 1 नोव्हेंबरनंतर हा क्वालिफाईंग डेट बदलतो आणि 1/1/22 असा हा दिवस आहे। म्हणजे 1 जानेवारी 2022 ज्यांचं 18 वर्षे पूर्ण होईल त्या नव मतदार यांना आता मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवण्याची संधी उपलब्ध होते। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 से 30 नवंबर तक लोगों में जनजागृति हो, इस उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया है। हर वोट की जरूरत को समझते हुए उन्होंने लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।